काटी दे रहे हैं। आप जितने सारे ड्राई फ्रूट्स दे सकते हो और भी अच्छा लगेगा। ये बन के रेडी हो गया है मूंग दाल का हलवा। तो आप लोग भी घर पर ट्राई करें, इसको बहुत ही मज़ा आने वाला है इसको टेस्ट करके। आप लोग फिर बोलो। गाइज आज मैं बना रही हूँ मूंग दाल का हलवा, नया रेसिपी है मेरे चैनल पे। तो इसको मैं बहुत अच्छे से पहले धो ली हूँ, पूरा अच्छे से साफ़ कर ली हूँ, 3 से 4 बार साफ़ कर ली हूँ मूंग दाल को। उसके बाद फिर मैं इसको सूख ली हूँ 10-15 मिनट। उसके बाद फिर अभी मैं इसको हल्का फ्राई कर रही हूँ, वो भी बिना तेल दे के। इसमें तेल नहीं है, सिर्फ गर्म कढ़ाई में इसको मूंग दाल को दे के मैं फ्राई कर रही हूँ। जैसे कि मैं बताई थी कि मैं अभी उस मूंग दाल को फ्राई करके मिक्सर में ग्राइंड करने वाली हूँ। इधर मैं ग्राइंड कर चुकी हूँ इसको, ये रेडी हो चुका है। देखिए इसको थोड़ा दरदरा ही रखना है, पूरा भी इसको पूरा में ही नहीं करना है। उसके बाद फिर मैं कढ़ाई में बहुत सारा घी डाली हूँ, बहुत ही सारा, क्योंकि ये घी पे ही बनता है स्पेशली, बहुत सारा घी दे के ही, क्योंकि उसका स्मेल जाता है बहुत अच्छा लगता है। सबसे पहले इसमें मैं इलायची दी हूँ तेल में, और इसमें मैं 1 चम्मच जैसा सूजी दूंगी बड़े चम्मच में, वो घी में ही डाल देना है ना। उसके बाद फिर मैं 1 चम्मच इसमें बेसन दूंगी, बस। उसके बाद इसको अच्छे से, बहुत ही अच्छे से इसको फ्राई करना, जब तक कि बेसन का जो स्मेल है ना वो ना चल जाए तब तक इसको फ्राई। अब मूंग दाल है उसको मैं दे दूंगी घी में। तो बहुत ही अच्छे से फ्राई करने से। अभी जैसे ये कलर दिख रहा है ना, हाँ, ये कलर धीरे धीरे चेंज होगा। तो गाइस देखिए यहाँ ये रेड हो चुका है ना, फ्राई हो चुका है अच्छे से। आपको भले कैमरा में नहीं दिख रहा हो लेकिन ये रेड हो चुका है, वो आप जब फ्राई करोगे तब समझ में आ जाएगा। जैसे सूजी को फ्राई करते हैं ना हल्का हल्का रेड, तो इसमें मैं 1 कटोरा पानी दे दूंगी। और दूध नहीं डालेंगे? अभी नहीं, थोड़ा पानी देने के बाद थोड़ा फ्राई करूंगी। पता है क्यों? ये इसलिए ना कि पानी देने के बाद ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, जो फ्राई हुआ है ना ये सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं दूध दूंगी तो अच्छे से बॉयल हो जाएगा ये। तो गाइस देखें यहाँ पे मैं चीनी भी रेड करके रख ली हूँ। जैसे मैं 250 से ज़्यादा मूंग दाल का हलवा बना रही हूँ तो 1 कटोरे से थोड़ा सा कम चीनी दूंगी, क्योंकि अब आप टेस्ट के हिसाब से लेना। किसी को अगर चीनी ज़्यादा नहीं खाना है, किसी को मतलब ज़्यादा खाना है, तो आप टेस्ट के हिसाब से देना चीनी, ठीक है। तो हम मीडियम में देंगे क्योंकि ज़्यादा भी नहीं खाना। और इधर मैं दूध में केसर डाल के रखी थी जिसका कलर आ चुका है, देखिए बहुत ही सुंदर सा कलर आया है इसमें। तो इसको भी मैं दूंगी और इसको भी। तो पहले चीनी दे देती हूँ उसमें, चीनी देने के बाद फिर इसको फ्राई करूँगी और अच्छे से। कलर चेंज हो गया, लेकिन पीला से थोड़ा रेड आ गया। पीला से देखिए रेड आ, थोड़ा ब्राउन टाइप का, रेड ब्राउन तो नहीं है बट रेड आ रहा है। पहले पूरा पीला था, अभी थोड़ा फ्राई हुआ है। बहुत ही ऐसा करते हैं कि चाशनी बनाते हैं पानी में, उसके बाद चाशनी बना के उसमें देते हैं, तो सबका अलग अलग होता है, लेकिन मैं तो उसमें ज्यादा अच्छा टेस्ट आता है। एकदम जो शादी वाला हलवा ही आता है ना, कुछ वैसा आता है। आप ये जरूर ट्राई कीजिएगा फिर भी, इसको बहुत ही अच्छा लगेगा ये। देखिए यहाँ पे ये रेडी हो चुका है, चीनी भी दे दी थी और फिर इसको फ्राई की हुआ अच्छे से 5 मिनट तक। और देखिए इसका कलर कुछ ऐसा दिख रहा है, थोड़ा सा ब्राउन टाइप का ना, वाइट और ब्राउन दिख रहा हमको। तो ये कलर चेंज हो गया। उसके बाद फिर दूध देने के बाद फिर उसको थोड़ा सा अच्छे से फ्राई करना है, उसको हिलाते रहना है, और फिर आपका कलर और भी चेंज हो जाएगा। तो चलिए पहले दूध दे देती हूँ उसमें। मैं इसमें 1/2 किलो दूध दी हूँ और यहाँ मैं जो केसर इलायची दूध रखी थी इसको भी दे दे रही हूँ। ये बहुत सुंदर सा कलर दे रही इसमें, थोड़ा इसको मीडियम, पहले हाई फ्लेम में करके थोड़ा सा ये बॉयल आ जाए, उसके बाद फिर इसको मीडियम फ्लेम में कर देना, हिलाते रहना है ताकि इसमें लम्स ना आए। एकदम हल्के हाथों से, और जो
थोड़ा सा दरदरा था वो मूंग दाल, वो भी इसमें बॉयल हो जाएगा, अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा, उसमें ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। जो दरदरापन रहता है ना हल्का हल्का, उसमें अच्छा टेस्ट आता है, उसमें फील होता है कि मूंग दाल हलवा खा रहे हैं, एकदम ही पिसा हुआ अच्छा नहीं लगता है ये। तो चलिए जब रेडी हो जाएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे इसका कलर चेंज होगा। देखिए पहले जैसे कलर में आएगा ना, फिर से पहले रेड था, पहले ये कलर था, उसके बाद फिर आपका आया रेड में, ब्राउन में, ठीक है। उसके बाद देखिए ये फिर से इसी कलर में आ गया, और फिर ये बॉयल जब होगा अच्छे से, जब ये रेडी हो जाएगा, पक जाएगा, पानी सूख जाएगा, फिर तो फिर से आपका वही कलर आ जाएगा, तब बन जाएगा, है ना। तो आपको मैं तब दिखाती हूँ जब इसका कलर चेंज होता है, ठीक है। पहले तो एकदम येल्लो टाइप का दिख रहा था ना, एकदम लाइट येल्लो, अभी थोड़ा ये मतलब ब्राउन हो रहा है धीरे धीरे। तो इसको मैं थोड़ा सा 5 मिनट लिए, 5 मिनट से कम ही इसको ढक दूंगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना, ढकने से इसका जो फ्लेवर है वो भी बहुत अच्छे से आएगा इसमें, क्योंकि जो घी है उसमें, तो वो घी जो है वो इसका जो स्टीम हो रहा है अंदर, वो घी भी थोड़ा सा ऊपर आएगा उसका, ठीक है। तो ऊपर जब आएगा उसके बाद इसको हटाना है, उसके बाद ये देखिए खिला खिला टाइप का लगेगा ये हलवा। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसको हटाने के बाद ये रेडी हो जाएगा। इसको थोड़ा सा बीच बीच में देखते हुए रहना है कि 5 मिनट ऐसे ही इसको छोड़ देना है, ये भी नहीं करना है, नहीं तो पता चला कि हलवा जल के खत्म हो गया है क्या। इसको बीच बीच में थोड़ा हटा के देखना भी है, और जो फ्लेम रहेगा वो एकदम लो रहेगा, एकदम भी लो नहीं, हल्का सा लो से ज्यादा। इसको मैं हटा के एक बार देख लेती हूँ, और काजू जो बच्चा हुआ वो भी दे देती हूँ। तो देखिए बहुत सुंदर आया, और देखिए यहाँ पे ये अब ना ये जो खिला खिला नजर आ रहा है, चिपचिपा नहीं लग रहा है क्या, और पानी पानी नहीं लग रहा है। सो गाइस ये बन के रेडी हो चुका है, ये देखिए यहाँ इसका कलर पूरा ही चेंज हो चुका है क्या, तो सब जितना काजू है सब। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इस रेसिपी में कि आप घी जितना भर भर के डाल सकते हो, जितना घी डालोगे ये उतना ही टेस्टी लगेगा, दिखने में बहुत सुंदर लगेगा। इसके ऊपर से थोड़ा काजू दे रहे हैं, आप जितने सारे ड्राई फ्रूट्स दे सकते हो और भी अच्छा लगेगा। ये बनके रेडी हो गया है मूंग दाल का हलवा। तो आप लोग भी घर पे ट्राई करें इसको, बहुत ही मज़ा आने वाला है इसको टेस्ट करके। आप लोग फिर बोलोगे सूजी का हलवा ये वो कुछ नहीं है, मूंग दाल का हलवा करके बनाएंगे, तो फिर आप लोग ट्राई कीजिएगा। और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, रेसिपी अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। तो बाय बाय गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।